हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको तत्काल टिकट, यानी कि वैसी टिकट जो आपको तत्काल में जल्दबाजी में बुक करना होता है, जैसे कि आज ही आपको 1-2 घंटे बाद कहीं सफर करना है, इमरजेंसी है, आपको जाना जरूरी है, तो उस सिचुएशन में आप जनरल टिकट ना बुक करके तत्काल टिकट बुक करते हो, ठीक है, उसी को हम तत्काल टिकट कहते हैं। और आज मैं आपको मोबाइल फोन से तत्काल टिकट को बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। और हाँ, मैं आपको बता दूं, तत्काल टिकट की जो प्राइस होती है वो जनरल टिकट की प्राइस से हाई होती है, यानी कि ज्यादा होती है। और साथ ही तत्काल टिकट आप कभी भी बुक नहीं कर सकते, जैसे कि आप जनरल टिकट रात में, सुबह में, या फिर कभी भी किसी भी टाइम बुक कर लेते हैं, बट तत्काल टिकट आप बुक नहीं कर पाएंगे कभी भी। अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो एसी टिकट आप 10 बजे के बाद बुक कर सकते हैं, और नॉन एसी टिकट आप 11 बजे के बाद बुक कर सकते हैं, इससे पहले आप नहीं कर पाओगे। मैंने तत्काल के बारे में बताया, जनरल आप कभी भी कर सकते हैं। सो गाइज, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं अभी आपको मोबाइल फोन से तत्काल टिकट बुक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको मोबाइल से तत्काल टिकट बुक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा और आगे जाकर के आपको तत्काल टिकट बुक करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, IRCTC रेल कनेक्ट, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको IRCTC में अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप IRCTC में अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे, तो उस वीडियो को भी देख लेना इस वीडियो को वॉच करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और लॉगिन यहाँ पर कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट नोट करवा दूं। देखिए, अगर आप जनरल टिकट बुक करते हैं तो उसी टाइम टिकट बुक करने के दौरान आप पैसेंजर को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि तत्काल टिकट जब हम बुक करते हैं तो उस टाइम हमें ज़्यादा टाइम नहीं होता, यानी कि तत्काल टिकट जल्दी बुक होता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत कम समय में मेरा टिकट बुक हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप पैसेंजर डिटेल्स को पहले से ही ऐड करके रख लीजिए, ताकि आपको तत्काल टिकट बुक करने के दौरान पैसेंजर को ऐड करना ना पड़े। उसमें भी तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है पैसेंजर डिटेल्स को ऐड करने में, इसलिए पहले से ही आप पैसेंजर डिटेल्स को ऐड कर लें, ओके, मास्टर लिस्ट बना लें। तो सबसे पहले आप मास्टर लिस्ट क्रिएट कर ले। देखिए, मास्टर लिस्ट बनाने के लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, नीचे में माय अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माय अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, माय मास्टर लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड ओके कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए ऊपर में है ऐड पैसेंजर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप पैसेंजर डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पर नॉर्मल है पैसेंजर टाइप, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नाम डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर फटाफट अपना नाम, जिसका भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं डाल दीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पर जेंडर क्या है, मेल फीमेल आप डालिए, और यहाँ पर बर्थ प्रिफ्रेंस है। उसके बाद यहाँ पर आप मेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड पैसेंजर पर आपको क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने पैसेंजर डिटेल्स फिलअप कर दिया, अब ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना है, और पैसेंजर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली हो चुका है, ओके। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका पूरा डिटेल्स फिलअप हो चुका है, आप चाहे तो एडिट वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बुक करना है, यानी कि टिकट बुक करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, बैक आ जाना है, और भी आप चाहते हैं पैसेंजर ऐड करना तो सेम ऐड पैसेंजर पर आपको क्लिक करना होगा, और उसी तरीके से आप पैसेंजर डिटेल्स को फिलअप करके और ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको तत्काल टिकट बुक करना है, तो आप ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद बुक टिकट पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर में फ्रॉम में आपको उस स्टेशन का नाम डालना है जहाँ से आप सफ़र करना चाहते हैं,
और टू वाले सेक्शन में आपको उस स्टेशन का नाम डालना है जहां पर आप जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बेगूसराय का रहने वाला हूं, तो मैं बेगूसराय स्टेशन से पटना जाना चाहता हूं, तो मैं फ्रॉम में बेगूसराय डालूंगा और यहां पर टू में पटना जंक्शन डालूंगा, ओके। उसके बाद यहां पर आपको क्लास चूज कर लेना है, इस पर क्लिक कीजिए, एसी टू टायर, एसी फर्स्ट क्लास, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, या फिर स्लीपर वगैरह, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ स्लीपर, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको कोटा जनरल दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए तत्काल का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप यहाँ पर जनरल को चेंज करके तत्काल को सेलेक्ट कर लेना, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने तत्काल को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट चूज करना है, किस डेट को आपको तत्काल टिकट बुक करना है। तो यहाँ पर मैं कल के डेट में तत्काल टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 19 जुलाई यानी कि 19 जुलाई ट्यूजडे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सर्च ट्रेंस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ट्रेंस के लिस्ट आ जाएंगे, आप यहाँ पर चेक कर लेना, ओके। अब जिस ट्रेन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिस ट्रेन से आप सफ़र करना चाहते हैं, आप यहाँ पर चूज कर लीजिए और जिस टाइम में आप सफ़र करना चाहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर सारे के सारे ट्रेन्स दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको स्लीपर लेना है, या फिर 3A, या फिर 2S स्लीपर, फिर 3A, जो भी आपको सीटिंग चूज करनी है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको टाइम भी दिखाया जाएगा कि ये इतने बजे से चलेगी, मतलब देखिए यहाँ पर 7:54 पर ये ट्रेन रवाना होगी बेगूसराय से, और 23:10 यानी कि 11:10 पर पटना जंक्शन आपको उतार देगी, ठीक है। हम सफर एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है और ट्रेन नंबर आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा, ओके। अब आपको करना क्या होगा, अगर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप सिंपली रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए। जैसे कि स्लीपर पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अवेलेबल है, जहाँ पर आपको AVL लिखा हुआ दिखे आप समझ जाना कि उस ट्रेन में सीट अवेलेबल है। अगर वहाँ पर वेटिंग लिस्ट दिख रहा हो तो आपको दूसरे टाइप से दिखेगा, जैसे कि मैं आपको दूसरा ट्रेन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी अवेलेबल है, और यहाँ पर भी वेडनेसडे को भी अवेलेबल है, ट्यूजडे को भी अवेलेबल है। स्लीपर में चेक करते हैं तो इसमें भी अवेलेबल है, और देखिए यहाँ पर नोट अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि इस ट्रेन में जनहित एक्सप्रेस में जो 1:05 पर चलेगी और 4:25 में आपको पाटलिपुत्र उतार देगी, यहाँ पर आपको सीट नहीं मिलेगा, चूंकि नोट अवेलेबल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आपको वेटिंग लिस्ट का भी ऑप्शन दिखेगा, तो आपको जो वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा वहां पर आप बुक मत करना, चूंकि वहां पर चांस होता भी है टिकट कंफर्म होने का और नहीं भी होता है। तो आप अपने हिसाब से पहले चेक कर लेना, जहां पर आपको अवेलेबल दिखे वहीं पर आप टिकट बुक करना, उसी ट्रेन का टिकट बुक करना, ठीक है। तो यहां पर मैं फर्स्ट वाला ट्रेन यानी कि हम सफर एक्सप्रेस जो है इसको मैं बुक करना चाहता हूँ स्लीपर, ठीक है। तो यहां पर मैं स्लीपर को सेलेक्ट किया और यहां पर देखिए अवेलेबल है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो ये स्लीपर बोगी का जो फेयर है, चार्ज है, वो आपको 465 रुपये देने होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तत्काल टिकट की जो प्राइस होती है वो जनरल टिकट की प्राइस से हाई होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको जाने का, सिर्फ बेगूसराय से पटना जाने का आपको सिर्फ 465 रुपये पेड करने पड़ेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पैसेंजर डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि बुकिंग नोट इट स्टार्टेड फॉर द सेलेक्टेड कोटा एंड क्लास प्लीज आफ्टर सम टाइम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 10 बजे के बाद ही तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, चाहे आप AC टिकट बुक करो या फिर नॉन AC टिकट बुक करो, 10 बजे के बाद ही कर पाएंगे, इससे पहले नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए सही तरीके से कि तत्काल टिकट कैसे बुक किया जाता है, ओके। स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक देखना। तो फ्रेंड्स जब आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको ट्रेन का पूरा डिटेल्स दिया गया है, यानी कि आपने जो डिटेल्स फिलअप किया है कि मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो आपको पूरा डिटेल्स यहां पर दिख जाएगा, ओके। कहां से कहां तक आप जाने वाले हो, टिकट बुक कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट पैसेंजर, अगर आप चाहते हैं पैसेंजर यहीं से ऐड करना, तो आप ऐड पैसेंजर पर, ऐड न्यू पर क्लिक करना, तो आप ऐड कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पहले से ही मास्टर लिस्ट में पैसेंजर ऐड कर रखा है, तो आप ऐड एग्जिस्टिंग पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मास्टर लिस्ट में जो पैसेंजर आपने ऐड कर रखा है नीचे में शो हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करना और यहां पर आपको पैसेंजर दिख जाएगा जिस पैसेंजर को आपने ऐड किया है। फिर से दोबारा आप पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं मास्टर लिस्ट से, तो सेम वही प्रोसेस, ऐड एग्जिस्टिंग पर क्लिक करना और आप मास्टर लिस्ट से पैसेंजर ऐड कर पाओगे। जब पैसेंजर ऐड हो जाएगा तो यहां पर आपको पैसेंजर का डिटेल्स भी दिख जाएगा, ओके। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, नीचे में एक ऑप्शन रहेगा आपको इंश्योरेंस करने का, आप इंश्योरेंस भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पैसेंजर ऐड हो चुका है, और अगर कोई बच्चा है आपके साथ तो आप ऐड इन्फेंट पर क्लिक करके बच्चे को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कर देना है, जो आपको नीचे में दिख रहा होगा। जब आप रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डेस्टिनेशन एड्रेस फिलअप कर देना है, जहाँ पर आप जाना चाहते हो। ठीक है, जहाँ पर आप उतरना चाहते हो वहाँ का आपको एड्रेस फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में पेमेंट मोड दिख जाएगा, देखिए। ठीक है, पेमेंट मोड काफ़ी सारे तरीकों से आप कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, अदर्स, पे थ्रू भीम या UPI, जैसे भी हो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं पेमेंट। तो इसका जो प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, आप कैसे पेमेंट करोगे टिकट बुक करते दौरान, तो आप वहाँ पर देख लेना, चूंकि मैं अभी नहीं बता सकता, चूंकि तत्काल टिकट का टाइम जो है बुक करने का अभी नहीं है। तो जब आप यहाँ से ये सारा काम कर लोगे, यानी कि पेमेंट करोगे, उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे में दिखाया जाएगा कि आपको कितना रुपया लगेगा इस टिकट को बुक करने में। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको पे थ्रू क्रेडिट या डेबिट कार्ड अगर आप कर रहे हैं पेमेंट मेथड में, तो कन्वीनियंस फी आपको ₹15 प्लस GST चार्ज लगेंगे। टोटल मिलाकर के आपको ₹442 लग रहे हैं। ठीक है, अब आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी वगैरह पासवर्ड डाल करके OTP आएगा बैंक की तरफ से, उसको डाल करके कंफर्म कर देना है, तो आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप टिकट बुक करते हैं तत्काल टिकट, तो आपका टिकट बुक हुआ है या नहीं, यानी कि कंफर्म हुआ है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो दोस्त उसके लिए भी आपको सेम उसी एप्लीकेशन में आ जाना है, और यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहीं पर आपको एक ट्रेन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद माई बुकिंग्स पर आपको क्लिक करना है, और यहीं पर अगर आपने कोई टिकट बुक कर रखा होगा तो आपको दिख जाएगा, और यहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहीं से आप चेक कर पाओगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले टिकट बुक किया था जो कंप्लीटेड है, यहाँ पर स्टेटस आपको बुक्ड दिखाया जा रहा होगा, मतलब कि मेरा टिकट कन्फर्म हो गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी दिखेगा टिकट अगर कन्फर्म हो जाएगा तो। बट अगर आप टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया जाने का और आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप टिकट को कैंसिल भी कर पाएंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल टिकट कैंसिल करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़े बहुत रिफंड तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप तत्काल टिकट कैंसिल करते हो तो उस कंडीशन में आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो आप टिकट यहाँ पर से कैंसिल भी कर पाओगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि घर बैठे मोबाइल से तत्काल टिकट कैसे बुक किया जाता है। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट छोड़ सकते हैं, वो भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।